गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग। इसकी मैंने वीडियो भी भेजी है यूट्यूब की, वो भी ध्यान से देखना, वो पॉइंट्स भी आप इसमें ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है एडवांटेज में, लीजिंग मिनिमाइजेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये एडवांटेज है लीजी के लिए कि जो लीजी है उसको बहुत बड़ा अमाउंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती एट द बिगनिंग ऑफ द बिजनेस। कि जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है स्टार्ट करने के लिए, बहुत सारी कैपिटल जो है वो उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है, तो कुछ अमाउंट उसका बच जाता है कि जो एसेट उसको लीज पर मिल जाती है। तो इनिशियली जो है वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ये मिनिमाइज करती है। सेकेंड है इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट एंड ऑब्सोलेसेंस। कि लीजी के लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो उसको एक रिस्क होता है कि उसकी जो एसेट है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, इससे जो है वो उसका जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जो लेजर है उससे ये ऑप्शन ले सकता है कि अगर ये एसेट ऑब्सोलीट होगी तो वो उसको रिप्लेस कर देता है, इसलिए इस रिस्क से भी जो लेजी है वो बच जाता है। नेक्स्ट है लीज टू ओवरकम लोन रिस्ट्रिक्शंस। अगर जो लेजी है वो उस एसेट को लीज करने की बजाय परचेज करता है तो उसको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और बैंक वाले लोन के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो उनको पूरी करनी पड़ती है। तो लीज से वो सारी फॉर्मेलिटीज से बच जाते हैं, उन लोन रिस्ट्रिक्शन से बच जाते हैं, तो ये उसको भी ओवरकम करता है। नेक्स्ट है लीज फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंसेशंस। कि अगर ये जो लीज है वो आउट ऑफ बॉर्डर या वी कैन से फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट की जाती है इन एसेट्स को, तो उसके ऊपर 100% कंसेशन है टैक्स से, तो इसका बेनिफिट भी लीजिंग कंपनी या जो लीजी है वो ले सकता है। लीजिंग टू ओवरकम द कैपिटल राशनिंग एंड बजट कॉन्स्ट्रेंट्स। अब देखिए, यहाँ पर जो लीजी है उसके पास जो उसकी लिमिटेड जो उसकी कैपिटल है वो लिमिटेड है, वो स्कार्स है, तो वो उस कैपिटल को जिसको कि वो एसेट को परचेज करने के लिए सोच रहा है उसको कहीं और पर यूज कर सकता है। तो कैपिटल राशनिंग के जो प्रॉब्लम है वो उससे सॉर्ट आउट जो है वो कर लेता है, और उस कैपिटल को वो कहीं और पर लगा सकता है, तो इसलिए उसका जो बजट है वो गड़बड़ाता नहीं है, अपने बजट को वो सही ढंग से यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज लीजिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड अदर टैक्स बेनिफिट। कि जो लेजर है, ये बेनिफिट लेजर के लिए है कि लेजर जब अपनी एसेट को लीज पर देता है तो उस एसेट का डेप्रिसिएशन वो अपने P&L अकाउंट में शो कर सकता है, तो उसका एडवांटेज ले सकता है। तो टू टेक एडवांटेज डेप्रिसिएशन अलाउंस एंड अदर टैक्स बेनिफिट, कि जो मेंटेनेंस का खर्चा है, जो अदर एक्सपेंडिचर है जो वो लीजी को देता है, उसका बेनिफिट वो ले सकता है अपने P&L अकाउंट में एक एक्सपेंडिचर शो करके। नेक्स्ट लीजिंग फॉर हेल्पिंग स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो जब आपको कोई नया स्कूल खोलना हो या नया कॉलेज खोलना हो या नई यूनिवर्सिटी खोलनी हो तो वहां पर बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो स्कूल कॉलेजेस में जो कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती है वो कंप्यूटर्स मोस्टली लीज पर लिए जाते हैं, है ना, या बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जो वहां पर परचेज किए जाते हैं वो परचेज किए जाने पॉसिबल नहीं होते क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, तो वो जो है वो लीज पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए लीज अ डिवाइस फॉर फंड जनरेशन फ्रॉम द पब्लिक। अब जो ये जो बेनिफिट है ये पब्लिक के लिए है कि जो लीजिंग कंपनी है वो कंपनी एक रजिस्टर्ड हो जाती है, कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती है और फिर वो भी अपने शेयर्स इशू कर सकती है या पब्लिक की जो सेविंग है उसको मोटिवेट कर सकती है, तो पब्लिक की सेविंग को आगे वो इन्वेस्ट करती है, तो इससे पब्लिक की जो छोटी छोटी सेविंग है उसका भी बेनिफिट लीजिंग कंपनी ले सकती है। इसके बदले में जो इन्वेस्टर्स हैं या जो डिपॉजिटर हैं उनको हायर रिटर्न का हायर रेट से उनको जो है वो इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है अपने डिपॉजिट के ऊपर, तो पब्लिक के लिए भी बेनिफिशियल है और लीजिंग कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट देखिए कंजर्व बोरोइंग कैपेसिटी थ्रू ऑफ द बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। ये बेनिफिट है लीजी के लिए कि जो लीजी है अपनी बोरोइंग कैपेसिटी को कम नहीं करता, इससे उसकी बोरोइंग कैपेसिटी वही रहती है, है ना, क्योंकि हम इस एसेट को बैलेंस शीट में शो नहीं करते, जो लीज पर ली जा रही है उसका जो रेंट है उसको हम शो करते हैं P&L अकाउंट में, तो इससे जो है वो बोरोइंग कैपेसिटी के ऊपर, लीजी की बोरोइंग कैपेसिटी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा देखिए जो यहाँ पर एडवांटेज नहीं दिए ये भी आप दे सकते हैं, अश्योर्ड रेगुलर इनकम। ये बेनिफिट है किसके लिए, लेजर के लिए, कि जो लेजर है उसको 100% मतलब एश्योरेंस रहती है कि हर मंथ या एवरी ईयर उसको रेंट की फॉर्म में इनकम मिलती रहेगी। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप किसके पास रहेगी, लेजर के पास, कि चाहे जो लीजी है वो उस एसेट को 10 साल यूज करे 20 साल यूज करे, ऑनरशिप लेजर के पास ही रहेगी।
एंड रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसकी रिकवरी भी हो जाएगी, मतलब 1 लाख की या 10 लाख की एसेट उसने परचेज की तो वो अमाउंट उसको वापस मिल